रियल सिस्टर्स होते हुए भी इतनी लड़ाइयाँ, इतनी साजिशें हो सकते हो रही है। बिल्कुल, ये सब एक आदमी के वजह से है, कबीर के वजह से है। और रानी बिल्कुल प्यार में पागल हो चुकी है और वो कुछ भी कर सकती है, अपने दी के भी खिलाफ जा सकती है, जिस दी ने उसको पाला पोसा बड़ा किया। और सबको भड़का रही है, पूरी फैमिली को भड़का रही है पूजा दी के खिलाफ। एंड आई एम वेरी श्योर मैं अभी भी कबीर को पा सकती हूँ। पूजा के साथ रहने के और साजिशें 40 सीख गई हैं आप, पता अब लड्डू गिराना और ये भी सब कुछ करने वाली। मैं आई थिंक ये हेरिडिटरी है जीन्स में, आई थिंक इट रन्स, क्योंकि मैंने ये सब अपनी बहन से ही सीखा है और अब मैं ये उनके ऊपर ही आजमा रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, जैन इससे इम्प्रेस होने वाले काफ़ी, क्योंकि आप भी डांट खा चुकी हूँ उनसे। देखो डांट में थोड़ा प्यार होता है, तो मैं तो यही मान के चल रही हूँ। तो हाँ, मैं काफ़ी कुछ कर रही हूँ, सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल रही हूँ। जो पूजा की थाल है वो एक्चुअली मैंने गिराई थी, बट मैं जो कबीर है उनको बोल रही हूँ कि ये दी ने गिराई है और वो हमारे डैड की जो बरसी है उनको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं और उन्होंने थाल गिरा दी, पर कबीर मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर मैं उनका डिवोर्स करवा के। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारी जो ये जर्नी थी दीप्ति मैम के लिए तो एक साल की जर्नी थी, मैं भी दिसंबर से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ, तो फाइनली एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। मैं बहुत खुश हूँ, जानवी अभी आप सबको दिखेगी, आप सबसे मिलेगी और हमारा एक भ्रम आप सब देख पाएंगे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं कुछ और करना चाह रही थी, डिफरेंट करना चाह रही थी, क्योंकि अब तक मैंने हर कैरेक्टर किया है बट कम्प्लीटली पॉजिटिव किया है। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, लेयर्ड कैरेक्टर है, मैं नहीं कहूँगी डार्क है, ब्लैक है, कोई इंसान पूरा डार्क नहीं हो सकता, शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल गर्ल, बट वो क्यों ऐसी है वो आप सबको दिखेगा कल से। किरदार के लिए मैं यही कहूँगी, जानवी मित्तल एक सर्वगुण संपन्न बहू है मित्तल परिवार की, पर ऐसा नहीं है, वो एक भ्रम है, और वो भ्रम क्यों है और वो क्यों ऐसा सब कर रही है आपको बहुत जल्द हमारी कहानी में दिखेगा, एंड आप लोग जानवी से प्यार कर रहे हैं। ऑफ स्क्रीन हमारी फैमिली सच में बहुत परफेक्ट है, टच वुड टच वुड, हम बहुत मस्ती करते हैं ऑफ स्क्रीन। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरी जो कजिन्स प्ले कर रहे हैं इन द शो, चिल्ला रहे थे मैम सेल्फी, तो दैट्स हाउ वी आर। जैन है, जैन इतनी मस्ती करता है, तनवी है बड़ी क्यूट है, मज़ा आता है, वी ऑल ईट लंच टुगेदर इतनी गर्मी में भी, सो वी आर ट्राइंग टू हिट द कॉर्ड राइट, एंड आई थिंक हो गया है और वो आप सबको स्क्रीन पर दिखेगा भी, क्योंकि वी ऑल आर यू नो इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। मैं कहूँगी मेरा परिवार ही स्टार परिवार हो चुका है अभी, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट दिस इज द फोर्थ शो। इनफैक्ट अगर डीबीओ और इश्कबाज को हम काउंट करें तो स्टार के साथ, एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स एंड आई फील द लकीस्ट। मैं कहूँगी कि इससे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ कभी हो नहीं सकती, और पता नहीं किस तरह के मेंटालिटी आजकल लोगों में हो गई है कि फेस्टिवल के दिन लोग प्रे कर रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी सैड दैट इज़ हैपेंड, एंड आई डोंट नो, सुबह से मुझे बहुत डल फील हो रहा था, बट ऑब्वियसली वी हैव टू, दिस इज़ मुंबई, शो मस्ट गो ऑन, एंड माई प्रेयर्स आर विद श्रीलंका। व्यूअर्स को मैं वही कहूँगी, जानवी मित्तल को आप सबका प्यार चाहिए, पूरे मित्तल परिवार को आप सबका प्यार चाहिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे परिवार के अंदर, एंड हर किरदार अलग है, वी ऑल आर
ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स, तो आप उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमें दिया है, शेनू को दिया है, जैन को दिया है, तन्वी को दिया है, आयुब सर को दिया है, उतना ही हमारे किरदार को भी चाहिए, मित्तल परिवार को प्यार दीजिए। नर्वसनेस है पर बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज हम कब से वेट कर रहे हैं इसका आने का और बहुत हाइप है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसे, लाइक आई एम होपिंग। किस तरह से मेरा किरदार है काव्या मित्तल का, जो कि मित्तल फैमिली की दूसरी बहू है और जो अभी रिसेंटली आई है घर में, और कैसे फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती उसे, लेकिन जानवी मित्तल एक्सेप्ट करती है जो कि सर्वगुण संपन्न बहू है इस घर की। सो मेरे लिए तो वो परफेक्ट भाभी हैं और वो ही सबके दिलों में मेरे लिए जगह बनाएंगे शायद। यस, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है थोड़ा सा डिफरेंट है जीजी माँ से, और ये थोड़ी डिग्निफाइड लड़की है, गर्ल ऑफ फ्यू वर्ड्स है, ज़्यादा बोलती नहीं है लेकिन बहुत कंपोज्ड एंड काम लड़की है, लेकिन जब स्टैंड लेना होता है तो वो बिल्कुल खड़ी होती है। तो बेसिकली काव्या मित्तल एक पॉजिटिव फोर्स है इस शो का, जो कि आगे जाके और अनफोल्ड होगा। किस तरह का एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीन? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि कास्ट बहुत ही बड़ी और गुड एक्टर्स, मतलब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एंड ऑल आर वेरी फ्रेंडली, और क्योंकि पहली बार सबके साथ काम कर रही हूँ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छे लोग हैं सबके सब। इट्स वेरी सैडनिंग कि एक त्यौहार वाले दिन आप उनके टेंपल पे, मतलब चर्च में ये होना, इट्स वेरी सैडनिंग और बहुत ज़्यादा बुरी बात है, बट क्या कर सकते हैं, बस हम मेरी सबके सामने, मतलब सब लोगों के साथ अनुभूति है और प्लीज़ ऐसे उदास मत होइए। थैंक यू। नया शो है स्टार का, बड़ी उम्मीद है, बहुत जोश है और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी शो पसंद आएगा। इसमें इंट्रीग है, सस्पेंस है, बहुत कुछ है और कोशिश ये है कि हर शो से हटकर, जो नॉर्मल सास बहू होती है उससे हटकर कुछ नया, एक नया वापस एक कहानी का एक रुतबा दे। तो देखिए, अब कल हमारा रिलीज है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीके एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जाना पहचाना इंसान है अपने सोसाइटी में, और उसकी एक फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ है, दो बेटे हैं, और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और वो छोटे बेटे की शादी करवाना चाह रहे हैं। ड्रामा ही ड्रामा। लुक, प्लीज़ वॉच एक भ्रम सर्वगुण संपन्न एंड गिव अस ऑल योर लव। थैंक यू। कल ही तो दी थी।
बल कुछ माइंड में नहीं चल रहा, ना ही अगर आप पूछेंगे कि मैं नर्वस हूँ तो मैं नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ कि भाई हमारा शो, पहली बार मैं खुद किसी शो की स्क्रीनिंग पे आया हूँ. होता नहीं है कि किसी टेलीविजन शो को आप एक थिएटर में दिखाएं, तो आई थिंक इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग कि यार आज कुछ ऐसा हो रहा है एंड आई एम पार्ट ऑफ इट, सो जस्ट एक्साइटेड. और काफी डिफरेंट है. वेल सास बहू से डिफरेंट तो है ही, एट द सेम टाइम बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसमें. मैं कबीर मित्तल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि एक आदमी पर्सनल है एंड उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो भाभी है, उसकी जो फैमिली है, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक छत के नीचे हो रही हैं एंड कैसे वो अपनी वाइफ को एक्सेप्टेंस दिलवा रहे हैं. सो वो बहुत चीज़ें हैं. आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. आई थिंक प्रोमोज लुक्स प्रॉमिसिंग, सो जस्ट वेट एंड वॉच. एक्सपीरियंस कास्ट है, आई थिंक ब्रिलियंट कास्ट है. आयुब सर मेरे डैड प्ले कर रहे हैं, सो आई थिंक इज वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर्स. एंड फिर सानी साहब हैं जो दादू प्ले कर रहे हैं. बहुत अच्छी कास्ट है. आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग टू वर्क विद ऑल द कास्ट मेंबर्स. ऑफ स्क्रीन अच्छा रहता है यार, हम लोग लंच में एक साथ खाने खाते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे सेट पे होता क्या है कि सब लोग अकेले अलग अलग खाना खा रहे होते हैं. सो हम लोग वी गाइज मेक श्योर कि हम लोग साथ में बैठ के एक छत के नीचे आधा घंटा स्पेंड करें, साथ में खाना खाएं. एंड सो आई थिंक दैट्स द स्पिरिट. जी हालांकि ज़्यादा मैंने रीड नहीं करा उसके बारे में, बट जो बॉम्ब जो ब्लास्ट हुए हैं आई थिंक बहुत ही होरेंडस क्राइम है जो भी चीज़ हुई है. एंड विद रेस्ट आई थिंक आई डोंट नो, आई एम जस्ट सैड टू हियर अबाउट ऑल दैट जाज यार, कि जो भी चीज़ है बड़े इनह्यूमन चीज़ है. एंड आई डोंट नो कि लोग ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं. आई मीन व्हाई डू दे कमिट सच होरेंडस क्राइम्स यार, जस्ट वेरी सैड टू नो दैट. मैं मेरे भाई मेरे दोस्त को बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा. विश हिम ऑल द बेस्ट, उसका शो आ रहा है.